क्रिस गेल, एरन फिंच, हरभजन सिंह समेत क्रिकेट के किन बड़े चेहरों का जम्मू की लेजेंड्स लीग क्रिकेट में होने जा रहा है इस्तकबाल? क्या सच में पाकिस्तान के कदावार खिलाड़ी भी बनने वाले हैं इस लीग का हिस्सा? किस तरह से और कितने दामों पर लेजेंड्स लीग क्रिकेट की टिकटों की हो रही है बिक्री? लेजेंड्स क्रिकेट लीग के बाद क्या जम्मू में भी आईपीएल के मैचेस खेले जाएंगे? क्या है ये लेजेंड्स लीग क्रिकेट और जम्मू में कौन करवाने जा रहा है इसका इनेकाद? देखें इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट देखने वाले और उसके शौकीन लोगों में बीते काफी अरसे से एक अलग ही खुशी देखी जा रही है, क्योंकि ये खबरें बड़ी गर्दिश में है कि जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में क्रिकेट की लेजेंड्स लीग होने जा रही है और उसमें दुनिया भर से क्रिकेट के कदावार शख्सियत शामिल होने जा रही हैं। इन खबरों से सोशल मीडिया पर मानो समंदर सा उमड़ रहा हो। लोगों में काफी खुशी और जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके पसंदीदा खिलाड़ी एक बार फिर से उनके सामने पिच पर खेलने के लिए आ रहे हैं। तफसील से बताएं तो लेजेंड्स लीग क्रिकेट एक आलमी T20 लीग है, जिसमें दुनिया भर से लेजेंड्स क्रिकेटर शामिल हैं। इससे पहले भी इस लीग के 3 सीजन्स मुकम्मल हो चुके हैं और इसमें हिंदुस्तान में देखने वाली दूसरी सबसे ज्यादा पसंदीदा लीग का अपना मुकाम बरकरार रखा हुआ है। लेजेंड्स लीग क्रिकेट के कुल 19 मैच पूरे मुल्क भर में होंगे, जिसमें से 4 मैचेस जम्मू कश्मीर के MA स्टेडियम में मुनक्कद होंगे, जिसकी तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं। ज़राए के मुताबिक ये तैयारियां 70% से ऊपर मुकम्मल हो चुकी हैं और बाकी 30% पर भी काम तेजी से चल रहा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के पिच क्यूरेटर और साबिक क्रिकेटर आए थे। LLC यानी के लेजेंड्स लीग क्रिकेट के खिलाड़ी जम्मू में 24 और 25 नवंबर को पहुंचेंगे और पहला मैच 27 नवंबर को MA स्टेडियम में मणिपाल टाइगर्स बनाम साउदर्न सुपरस्टार्स में खेला जाएगा। दूसरा मैच 29 नवंबर को बिलवाड़ा किंग्स बनाम साउदर्न सुपरस्टार्स में होगा। तीसरा मुकाबला 30 नवंबर को इंडियन कैपिटल और गुजरात जायंट्स के दरमियान होगा। वहीं जम्मू में इस लीग का आखिरी मैच 1 दिसंबर को बिलवाड़ा किंग्स और अर्बन राइजर्स हैदराबाद में होने वाला है। इन सभी मैचेस की टिकटें पेटीएम इनसाइडर्स पर बुक हो रही हैं, जो कि 299 रुपए से शुरू हैं और ज़राए के मुताबिक अब तक लगभग आधे से ज्यादा टिकटों की बुकिंग भी हो चुकी है। इस लीग में कई बड़े खिलाड़ियों के शामिल होने की खबरें आ रही हैं, जिनमें एरन फिंच, इरफान पठान, क्रिस गेल, हरभजन सिंह, यॉन मॉर्गन, सुरेश रैना, रॉबिन उथापा, मार्टिन गुप्तिल, शेन वाटसन, ब्रेटली समेत दीगर कई खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं। अब इसी बीच सबसे बड़ा उठने वाला सवाल है, जिसे लेकर काफी पहले से खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान के कदावार क्रिकेटर भी इस लीग में शामिल होंगे। तो आपको इसका जवाब दे दूं, नहीं। जी हाँ, पाकिस्तान के खिलाड़ी इस लीग से बिल्कुल बाहर है। वाज़ेह रहे कि ये लीग 3 दहाइयों से ज्यादा के वक्त के बाद होने जा रही है और जैसे ही इस लीग के होने की खबरें आई थी, तब से ही ये खबरें भी गर्दिश में आ गई कि पाकिस्तान के उम्दा क्रिकेटर भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन ज़राए के हवाले से इन खबरों को साफ कर दिया गया है और बता दिया गया है कि बाकी दुनिया भर से खिलाड़ियों का इंतज़ार इस लीग में होने वाला है, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को इस लीग से बिल्कुल ही बाहर रखा गया है। इससे पहले भी ऐसी खबरें आ रही थी कि जम्मू में भी अब IPL जैसे इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। इन सभी बातों को फिर से एक बार इस लेजेंड्स लीग क्रिकेट ने तूल दे दी है, जिसके बाद से ये भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अगर इस लीग का कामयाब इनेकाद हो जाता है तो इसके बाद जम्मू में भी IPL जैसे इवेंट्स का इनेकाद होगा और IPL का भी इनेकाद होगा। वाज़ेह रहे कि ये लेजेंड्स लीग क्रिकेट ना तो BCCI से और ना ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी हुई है। इस बारे में JKCA के इंतजामिया के मेंबर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने बताया कि उनकी इस लीग में कोई भी शामिलियत नहीं है। अब 27 नवंबर से शुरू होने वाली इस लीग का हिस्सा कई बड़े खिलाड़ी बनने जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपने अपने मैच की टिकट्स को बुक करवा लिया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।